समझे. ओके आई एम श्योर कि जो आलू के पराठे मिस्टर साजन आज बनाएंगे वो बहुत ही कमाल के और लजीज होंगे, क्योंकि उसमें आलू और आटे के अलावा गुस्सा और शर्म भी होगी. वैसे संजना, संजू कितने क्यूट लग रहे थे ना काम करते हुए. मुझे तो मिस्टर साजन हमेशा ही क्यूट लगते हैं. बेचारे वाले क्यूट. क्या बेचारे, कोई बेचारे बेचारे नहीं है, वो घर आते काइयापन की दुकान हो जाते हैं वो. रियली? हाँ तो वैसे फॉर स्टार्टर्स तुम दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था? ओके वो क्या है ना संजना, घर पे कोई था नहीं, थोड़ा मूड बनाना था. ओके इसमें हंसने की कोई बात नहीं, नहीं आई एम जस्ट सुन रही हूँ. लेकिन इतना रिझाने के बाद भी उस आदमी की सुई तक नहीं हिली. क्या हुआ, झगड़ा हो गया? वाओ, दैट कॉल्स फॉर अ रिवेंज. हम दोनों मिलके मिस्टर साजन को सबक सिखाएंगे. हाँ. बाय संजना. ये विश्राम की पोजीशन में क्यों खड़े हुए? मैं काम करते करते थक गया था बैठे बैठे, इसलिए विश्राम कर रहा हूँ. तुम फिर आ गई हो यार यहाँ? मैं फिर से इधर से गुजर रही थी तो सोचा मिलती हुई चलो. ये तुम्हारे चेहरे पे आटे जैसा क्या लगा हुआ है? क्या ये मेरा ऑफिस है, कोई ढाबा नहीं है? ग्लू लग गया होगा कहीं से कुछ. कुछ भी हो लेकिन एक फोटो लेना तो बनता है. नहीं आए, नहीं फोटो फोटो चलो. क्या कर रहे हो यार? मैं आ रहा हूँ ना ऑफिस खत्म करके घर, वहाँ पे कर लेना मेरा कैलेंडर शूट. चलो अभी जाओ यार, जाओ. हाँ छिड़ के रहे हो, जा रही हूँ ना. जाओ ना, मैं विश्राम कर रहा हूँ, जाओ यार. हाँ तो जा रही हूँ. खिलौनी पिला दे यार. ले. आज एक बात तो समझ में आ गई यार, घर के काम करना उतना ही मुश्किल होता है जितना दारू पीने के बाद होश में रहना. जब तक करो नहीं ना तब तक वैल्यू का पता नहीं चलता. हाँ भाई, घर के काम की ना बहुत वैल्यू है. झाड़ू मारने का 500, बर्तन धोने का 600 और कपड़े धोने का यार पूछो. पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ बे. अबे ये जो घर का इतना काम करती है ना औरतें, मुझे लगता था इसमें कुछ मेहनत नहीं लगती है. घर के कामों की मेहनत को यार मैं जीरो में गिनता था, जीरो में. जब से मैडम ने आपसे ऑफिस में घर का काम करवाया है तब से आपको आटे आलू का भाव पता चल गया है. नमस्ते भाभी. बेबी मैं बस आ ही रहा था घर. अरे बैठो ना संजू, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई थी. वैसे भी खाली पेट ड्रिंक करने से चक्कर आते हैं. लाइए भाभी जी. थैंक यू सो मच. क्या बात है यार, खोलो नी. ये क्या बात है, क्या आलू के पराठे लेके आ गई? अरे ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना संजू, खाओ. कद्दू फेवरेट है मेरा. एंजॉय. ओके भाभी थैंक यू. ये कैसे आड़े टेढ़े आलू के पराठे बनाए इसने? वाओ. अबे साजन यार, भाभी का मूड ना ठीक नहीं लग रहा है यार. पराठे के ऊपर धमकी लिखकर भेजिए यार, और वो भी तेरी वाली बे. लेमन चूस लिया.
मेरा पराठा बनाया जा रहा है। वाह साजन, व्हाट टेस्टी यार, एकदम दाल पराठा यार, कसम से जी कर रहा है, जिसने भी ये पराठा बनाया ना उसका हाथ चूम लूं। मिल गया चुम्मा पराठे बनाने वाले हाथों से। अबे साले ये वही पराठे हैं जो मैंने ऑफिस में बनाए थे। अब देखता हूं कौन लेमन चूसता है। हाय हाय संजना, क्या कर रही हो? 5 किलो गाजर का ऑर्डर प्लेस करने जा रही हूँ। आज मुझे मिस्टर साजन के हाथ का बना गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। जाने दो ना यार संजना, वैसे भी संजू खुद हलवा होते जा रहे हैं, आते से ही पलंग पर फैल जाते हैं। गुड, दैट वाज द प्लान। उन्होंने होम मेकर्स की इंसल्ट की थी, तुम्हारी इज्जत की भी तो बात है। हाँ बात इज्जत से शुरू हुई थी, लेकिन मांग के सिंदूर तक पहुँचती दिखाई दे रही है। और वैसे भी ना संजू ज्यादा टॉर्चर नहीं झेल पाएंगे, पर उन्हें तो सबक मिल ही गया है। तुम्हें पता है संजू अब हाउसवाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करने लगे। रियली? हाँ पता है संजू क्या बोल रहे थे, कि इतनी देवियों की आरती होती है तो एक हाउसवाइफ की भी पर्सनल आरती होनी चाहिए। ओह वेल ठीक है, योर हस्बैंड यू डिसाइड। अगर तुम चाहते हो कि ये टॉर्चर यहीं पे रुक जाना चाहिए तो ऐसे ही सही। लेकिन गाजर का हलवा ड्यू रहा, और वो मैं तुम्हारे हाथ का बना खाने कभी तुम्हारे घर आऊंगी। ओके ओके डन, बाय बाय। ओ मेरा बेबी कितना थक गया है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मूड कैसे फ्रेश करना है। आज मूड बासी है, फ्रेश नहीं होगा। अरे तुम्हारे मूड की तो ऐसी की तैसी। ये लौकी जैसे हाथ हटाओ अपने। अच्छा मेरे हाथ लौकी जैसे हुँ? और आंखें, आंखें स्ट्रॉबेरी जैसी दिख रही है, तीखी तीखी लाल मिर्च के जैसी चुभ रही है आंखों में। हटा 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 हटा। बोला ना चुभ रही है, मत घूरो। कहा था नीड मत पियो, हजम नहीं होती है तो। क्या बालों में लहसुन का तेल लगाया हुआ है क्या, है हींग का छोका मार के आई हो क्या बालों में? ये मुंह तुम्हारा हल्दी से पीला पीला क्यों हो रहा है? क्या क्या संजू ये दाल मसालों वाली बातें कर रहे हो? तो जो मेरी जिंदगी में घुलेगा वही तो मुंह से निकलेगा मेरे। तो मुंह में क्या मसालेदार ही घोल लिए? हाँ वही हो गया लग रहा है। ऑफिस में इतना घर का काम करवाया ना मैडम ने, कि मेरी जिंदगी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। आज पेपर वेट से अदरक कूट रहा था मैं। लेकिन अभी तो तुम मेरे साथ हो ना संजू। हाँ तो वही तो, तुझमें रब दिखना चाहिए, लेकिन तेल मसाले नमक मिर्ची दिख रहा है यार। मैं क्या करूं, अच्छा समझ नहीं आ रहा कुछ। ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है, संजू तो चलते फिरते किचन बन गए। अभी तो बस धीमी आंच पे चढ़ाया है, अभी तो और पकाना बाकी है मैडम और कश्मीरा दोनों को, अभी तो सीटियां लगेंगी। सो मिस्टर लालवानी इज बैक। मैं आई कमेंट मैडम, इस कमेंट मिस्टर साजन। और इसके जिंगल के आइडियाज हमें अगले हफ्ते प्रेजेंट करने हैं उन्हें, सो लेट्स गेट प्रिपेयर अबाउट दैट। मिसेस साजन आर यू फॉलोइंग मी? नहीं अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैडम, लेकिन आप कहेंगी तो मैं आपको फॉलो कर लूंगा। मिसेस साजन बाय दैट आई मीन कि आपका ध्यान कहाँ है, किधर है आप? वो कुछ कुछ जलने की बू आ रही है मैडम। रहो जीजा, यहाँ जितने भी लोग मौजूद है ना, उन सब में जलने और कुड़ने की बीमारी ना सिर्फ तन नहीं है। नहीं नहीं ऐसी स्मेल आ रही है जैसे गैस पर कुछ रखा हो। नहीं मिसेस साजन ये ऑफिस है, कोई घर नहीं है जहाँ पे कुछ खाना पक रहा हो। एनीवे उससे मुझे याद आया कि बाबा प्लीज आप मुझे एक कप कॉफी देंगे प्लीज। शुगर कितनी लेंगी मैडम आप? मिसेस
साजन, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, नॉट यू। सर मैं मानता हूँ कि आपका अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन एक गरीब का काम छीनने में आपको क्या मिलेगा? तो जा फिर दो ले आ, एक मेरे लिए भी ला, डबल काम कर चल। जी जी सर, जी मैडम। ओके, हमारे कंपनी में ऑलरेडी वी हैव अकाउंट्स ऑफ सिमिलर दंत मंजन, बट द गुड पॉइंट इज कि इसका नाम है बंदर छाप, विच मीन्स ये थोड़ा सा, एज द नेम सजेस्ट, बंदर छाप। आई थिंक ये इंटीरियर, मिसेस आजन क्या कर रहे हैं आप? नारियल घिस रहा हूँ मैडम, वो खोपरा पाक बनाना है ना, तो उसके लिए खोपरा तो घिसना पड़ेगा ना। मिसेस आजन, आप ऑफिस में मीटिंग के बीच में नारियल क्यों घिस रहे हैं? मैडम अगर ऑफिस में आके घर का काम ना करूं तो फिर मन ही नहीं लगता है। कल भी आलू के पराठे बनाने के लिए आलू छीले फिर उबाले तो मैं। नो नो मिसेस आजन, इसके आगे आप ऑफिस आवर्स में घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, सो नो मो आलू पराठा मेकिंग एंड नो मो दैट खोपरा मेकिंग इन माय ऑफिस। ओके, वी आर डन विद दैट। ये गलत है मैडम, मतलब ऑफिस में सब्जियां काटते काटते आलू उबालते उबालते तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर एक हाउस हस्बैंड का टैलेंट छुप के बैठा है। अब जब मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूं तो आप मना कर रही हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू मिस्टर साजन कि आपके पास ऐसा भी कोई टैलेंट है, लेकिन आपको ये जो भी टैलेंट दिखाना है मेरे ऑफिस में नहीं, ऑफिस के बाहर दिखाइए। ठीक है मैडम, अब मैं अपना ये टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मैं वर्ल्ड फेमस शेफ बनूंगा और उसके लिए आज से अभी से मैं ये आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच मुझे प्रेरणा देने के लिए। व्हाट? अरे संजू, आज ऑफिस से इतनी जल्दी काम खत्म हो गया क्या? बेशक, क्योंकि आज से मैंने ऑफिस के कामों को बाय बाय और घर के कामों से मैंने हाय हाय कर लिए। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सोचने समझने की जरूरत भी नहीं, इधर तो इधर आओ। ये बता दो कि लंच में क्या बना दूं? अरे लंच मैं बना दूंगी, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आई हेट ऑफिस रे, इसलिए मैंने ऑफिस से परमानेंट छुट्टी ले लिए है। बाबूशाह, अब तो मेरी जिंदगी इन मसालों के डब्बों और इन तरकारियों तक ही सीमित है रे। संजय, तरकारी और मसाले खरीदने के लिए पैसे चाहिए? सच सच बताओ, तुमने जॉब क्यों छोड़ी? गौर से देखो, गौर से देखो इस चेहरे को, ये कल का होने वाला एक शेफ का चेहरा है। अब मैं रोज घर में तुम्हारी फेवरेट डिशेस बना बना के तुम्हें खिलाऊंगा यार। बोलो ना। ओहो, आइए आइए मैडम आइए, बताइए क्या बना के खिला दूं आपको। देखो ना संजना, संजू कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मिस्टर साजन, आप समझ नहीं रहे हैं, बंदर छाप दंत मंचन जैसे देहाती प्रोडक्ट के लिए जरूरी है एक ऐसा आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, हु बेटर देन यू। हाँ, तो मैडम देखिए, आलू भी और गाजरें भी ये सब जो है जमीन से जुड़ी हुई होती है, जमीन के नीचे ही उगती है, तो मैं अब उनसे जुड़ गया हूँ। मैं मिसेस आजन, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पे कुकिंग का भूत सवार है, लेकिन इट्स जस्ट अ फेज, वो चला जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लें एंड प्लीज कम बैक टू वर्क। नहीं 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 मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, आपने मेरे अंदर के सोए हुए बावर्ची को जगा दिया है मैडम। अब इन हाथों में पेन नहीं, कड़छी होगी, स्टेपलर नहीं, वो होगा पीलर, होगा पीलर। हाँ मैडम, आप काश, मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, आप मुझसे सब्जियां ना कटवाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर एक जो है टैलेंटेड कुक भरा बैठा है। You don't have to thank me, Mr. Sajan. It was all a plan. ये पूरा एक प्लान था। प्लान? Well, ऑफिस आवर्स में आपसे सब्जियां कटवाना, परोठे बनाना, ऑल ऑफ दैट मिस्टर साजन मैंने इसीलिए करवाया आपसे ताकि आपको लेसन मिले। ओहो, मतलब आप चाहती थी कि मेरी कुकिंग की जर्नी ऑफिस से स्टार्ट हो। अरे चुप करो, तुम घर के कामों की वैल्यू नहीं करते थे और मेरी गिनती जीरो में लेते थे इसलिए। यस मिस्टर साजन, हम दोनों बस यही चाहते थे कि आप घर के कामों को थोड़ा सीरियसली ले, उसे थोड़ा इम्पोर्टेंस दे, इसीलिए हमने ये सब किया, दैट्स इट।
दैट्स इट। तो मैडम ये आप मुझे थ्योरी में भी समझा सकती थी, मेरा प्रैक्टिकल क्यों ले लिया आपने? If that makes you feel any better, Mr. Sajjan, I'm sorry. मुझे लगा कि दोनों सेम स्टाइल में सॉरी बोलेंगे। अच्छा ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं अपने इस शौक को अपने दिल में दबा देता हूँ। थैंक यू। मोहतरमा आ गए आप। जी आपको पता है आप पीछे से हुस्न का गोला लगती हैं। अच्छा, और आगे से? हुस्न का शोला। मोहतरमा मुझे यकीन ही नहीं होता है कि इस उम्र में आपसा हम सफर मुझे मिला। चलिए भी, अभी क्या उम्र हो गई है भला आपकी? नहीं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक हसीन सपना हो। नजर मत लगाइए वरना कहीं सपना टूट ना जाए। क्या हुआ बेटा? मम्मी? मम्मी कहाँ है मम्मी? ये रही। क्या? नहीं नहीं, इसे कोई गलत फहमी हो रही होगी, इसकी मम्मी खो गई होगी ना, तो इसीलिए पगला रहा है। नहीं नहीं, आप ही है मेरी मम्मी, ये देखिए आपकी फोटो। ये फोटो तुम्हें किसने दी? पापा ने। बेटा क्या नाम है आपके पापा का? नवाब कपूर। देखिए ये मामला संभाल लीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सपना टूट जाए। बेटा चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। आप भी खाएंगे? मैं तो बाद में खाऊंगा। आओ बेटा, ये नवाब पंजाब का मुंडा था। कितना बड़ा हो गया है छोटा नवाब। आई एम द किंग ऑफ द जंगल। देखा मेरा शातिर दिमाग? हाँ मेरे भाई, अच्छे से देख रहा हूँ। मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक साथ दो दो औरतों को घुमाया है मैंने, मेरा तो खुद की नजर उतारने का मन कर रहा है। कहे तो नींबू मिर्ची ले आओ गले में लटकाने के लिए। ये चल ना। एक तरफ मैंने कश्मीरा को ये यकीन दिला दिया कि मेरी रगों में खून नहीं मसाले बहते हैं मसाले, और दूसरी तरफ मैडम को कुकिंग का ऐसा टैलेंट दिखाया है मैंने कि आगे से मेरे सामने खाने पीने की चीजों की बात तक नहीं करेंगे वो। दोनों औरतों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया है मैंने, अब 50 बार सोचेंगी कुछ भी बोलने से पहले मुझे। हाँ यार सत्य वचन भाई, अब हम मर्दों का काम है यार बाहर की दुनिया में राज करना, औरतों का घर के काम काज में मन लगाना। भाई एकदम करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पत्नियां जो है वो मांझे की तरह होती है, जरा सी ढील दी तो पतंग की जगह अपनी गर्दन कट। इसलिए मेरी तरह हमेशा पत्नी के मांझे को खींच के हाथ में रखो, समझा? बिल्कुल सही कह रहा है यार, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ बे तुझे, टेलीग्राम में बात क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहा है बे? अपनी गर्दन कटने से बचा रहा हूँ यार, क्योंकि सब पतियों का मांझा पत्नी के पास ही होता है यार। और बाकी जो भी तूने बोला, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब।